Good morning, students. Good morning, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session of Daily Current Affairs Express on India's largest online learning platform, that is Unacademy. So, Unacademy ke YouTube channel, Let's Crack UPSC CSE mein special swagat aap sabhi logon ka aaj ke current affairs ke session mein. Before proceeding ahead, let me know if I am audible and visible so that we may proceed ahead. Yes, yes, I am fine. क्लास स्टार्ट हो गए. जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को. तो अभी हम लोगों ने 7 बजे से 7:40 तक वी सॉ सम क्रूशियल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द अनअकैडमी ऐप रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021. यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी अच्छी करने के लिए मैं बोलूंगा सुबह 7 बजे सेशन अटेंड कीजिए अनअकैडमी ऐप के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. और चलिए शुरू करते हैं अभी का सेशन. देखते हैं क्या है आज न्यूज में हमारे लिए. आज एनवायरनमेंट का भी बहुत न्यूज है और आज एडिटोरियल्स भी अच्छे हैं. लेट्स प्रोसीड अहेड बट लेट मी नो व्हाट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द न्यूज और एडिटोरियल. तो दिस इज डॉक्टर अनुराग, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर एंड एक्सपर्ट इन द फील्ड फॉर द पास्ट 1 decade इन ऑफलाइन मेंटरिंग एंड पास्ट 7 months इन ऑनलाइन मेंटरिंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. एंड यूपीएससी मेरा एक्सपीरियंस 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट देने का है. आई हैव इन 4 attempts आई गेव 4 mains 2 बार पर्सनैलिटी टेस्ट. 2007 आई वॉज देयर इन द रिजर्व लिस्ट. आई मिस्ड बाई 2 marks द फाइनल सेलेक्शन. एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स इन यूपी स्टेट सर्विसेज यूपी पीसीएस के थ्रू फॉर 3 years बिफोर रिजाइनिंग फ्रॉम द सर्विस एंड परस्यूइंग माई पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स. ठीक है भाई, मालूम चल गया एडिटोरियल से आप लोग शुरू करना चाह रहे हैं. ठीक है, ओके. और ये देखिए टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अंडरस्कोर अनुराग अंडरस्कोर सिंह, जुड़ जाइए इस सेशन के फ्री पीडीएफ के लिए. यस, और मैं एडवाइस करूंगा डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सब्सक्राइब अप ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म टू गेट डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स. You can see top educators teaching upon the plus platform, the comprehensive courses. और ये देखिए plus का subscription, 1 साल का 2 साल का 3 साल का depending upon your needs you can take up. मेरे भी polity और international relations अलग अलग 2 courses available हैं plus platform पर. ठीक है, चलिए. बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है यूपीएससी और एसएससी सीजीएल की ये को लेकर, मैं अभी आंसर करूंगा, डोंट वरी. ठीक है, तो ये देखिए, यूज अनुराग एज डिस्काउंट कोड, गेट अ 10% ऑफ, ऑल्सो गेट माई नोट्स बुकलेट्स एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट. एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन में. और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा. इफ यू नीड अ पर्सनल कोच, अ डेली मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, अब पर्सनल कोच असाइन किए जाएंगे, यू कैन गो फॉर द आइकनिक मेंटरशिप प्लान. अगेन 1 year 2 year 3 year सब्सक्रिप्शन, यू कैन सी द कॉस्ट. ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं आप. और यूज अनुराग एज डिस्काउंट कोड, मैं भी जुड़ जाऊंगा आपके साथ आपकी मेंटरिंग में. एंड गेट अ 10% ऑफ, ऑल्सो गेट माई नोट्स बुकलेट्स एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो ये देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकनिक सब्सक्रिप्शन. ठीक है, अनुराग नाम याद रखिए. और अनअकैडमी कॉम्बैट है March 7, 2021 को सुबह 11 बजे दिस संडे. प्लीज अटेंड इट स्टूडेंट्स. अपना मॉक प्रिपरेशन कैसे चल रहा है मॉक टेस्ट में देख लीजिए. मॉक टेस्ट की तरह रहेगा ये. ठीक है, प्राइजेस भी रहेंगे. और ये देखिए अनअकैडमी ऐप पर मेरा प्रोफाइल लिंक अनुराग IMS इज द सर्च लिंक. सर्च इट एंड देखिए मॉर्निंग में MCQs फ्री क्लासेस 7 AM to 7:40 AM, इवनिंग में 7 PM मैपिंग क्लासेस. कल हम लोगों ने आर्कटिक ओशन देखा है. मुझे बताइए स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में आर्कटिक ओशन की मैपिंग कल कैसी लगी है. ठीक है, आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स. ये देखिए मेरा प्लस पे IR का और पॉलिटी का कोर्स से अलग अलग, यू कैन सी इट हियर. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आर ऑल ऑफ यू रेडी, टेल मी स्टूडेंट्स. तो डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस 4 मार्च को डीकोड इंटरलिंक अप्रोच फॉर द मेंस, 360 डिग्री अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स. लेट्स गेट रेडी फॉर द सेशन. तो निकाल लीजिए एटलस, आप लोगों को याद हो गया है. एटलस निकालिए, एटलस निकालिए, नोटबुक निकालिए, एक न्यूज का और एक एडिटोरियल का.
जीएस पेपर 1, 2, 3 का सिलेबस निकालिए मेंस का, ठीक है, और तीन चार कलर के पेन तो बनते हैं भाई निकालने के लिए। लाइफ कलरफुल कीजिए, कॉपी कलरफुल कीजिए, तभी आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, लेट सी द एडिटोरियल, लेट स्टार्ट फ्रॉम द एडिटोरियल। आप लोगों ने कहा एडिटोरियल से सर शुरू कीजिए, आइए देखते हैं। तो किसी ने एग्जामिनेशंस की रेटिंग पूछी है, मैं बता दूं आपको कि इट्स नॉट ओनली द रेटिंग ऑफ द एग्जामिनेशंस दैट मैटर्स आउट हियर, एंड इट्स नॉट दैट किसी एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे दूसरे एग्जाम को आप रेटिंग दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यूपीएससी के एग्जाम में इतना जानता हूं कि मेंस का जो एग्जाम है यूपीएससी का, इट इज नॉट अ एग्जामिनेशन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जो मेंस का एग्जाम है वो एक वे ऑफ लाइफ है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम बोलेगा कि सर वो 10 में 10 अगर आप उसको स्कोर देते हैं, तो जो स्टेट पीसीएस है उसको कितना स्कोर दीजिएगा, उसको भी 10 में 10, जो एसएससी सीजीएल है उसको भी 10 में 10। सबका अलग पैरामीटर ही है स्टूडेंट्स, सब में अलग स्किल्स चाहिए। डू यू एग्री, टेल मी, सब में अलग स्किल चाहिए, ठीक है। यूपीएससी में अलग स्किल, दूसरे एग्जाम में अलग स्किल, उस जॉब के हिसाब से, उस सर्विस के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। नन ऑफ द एग्जामिनेशंस कैन बी अंडरमाइंड, एंड नन ऑफ द एग्जामिनेशंस, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको डिमोटिवेट नहीं होना है कि मैं कम एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, नहीं। हैट्स ऑफ टू ऑल द एग्जामिनेशंस, हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं भाई यूपीएससी का जो मेंस है ना, वो जीवन जीने का तरीका बदल देगा आपका। मैं बता दूं, मेरे जीवन जीने का तरीका बदला इसके कारण, और आपका भी बदलेगा, मुझे विश्वास है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ जाएं, देखते हैं आज क्या है एडिटोरियल्स में। पहला एडिटोरियल ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्लाइमेट एंड कॉन्शियसनेस, द उत्तराखंड फ्लड्स एंड द टेक्सास कोल्ड स्नैप। हैव यू हर्ड बोथ दीज न्यूज, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अब भी 2 हफ्ते के अंदर ये न्यूज आए थे, ठीक है। उत्तराखंड फ्लड्स का पहले आया था, टेक्सास का भी आया था फरवरी महीना, ठीक है। उत्तराखंड फ्लड्स एंड टेक्सास कोल्ड स्नैप मस्ट सर्व एज लेसन टू गैल्वेनाइज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन शुरू हो जाना चाहिए, ये 2 इंसिडेंसेस ये शो कर रहे हैं। एग्री स्टूडेंट्स, यही यहां लिखा हुआ है, यस। तो ये पूरा छोटा सा आर्टिकल है, मैंने इसको 2 पेज में डिवाइड कर दिया। देखिए ये पहला फर्स्ट हाफ और ये देखिए सेकेंड हाफ, यहां क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये कहाँ लिंक करना है, कहाँ पे ये मींस जो टॉपिक है यहां से, वेयर कैन वी एड अप दीज पॉइंट्स, जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर कुछ भी पूछा गया, जीएस पेपर 3 डिजास्टर्स के ऊपर कुछ भी पूछा गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जरूर से ये पॉइंट्स जो मैं लिखवाने जा रहा हूं प्लीज लिंक इट। क्लाइमेट चेंज इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ, यस दिस इज एडिटोरियल इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3। आइए लेट्स सी व्हाट इज रिटन। यहां लिखा हुआ है 2 इंसिडेंसेस हैपेंड, फर्स्ट वाज उत्तराखंड फ्लड्स, ठीक है, सेकेंड वॉज टेक्सास कोल्ड स्नैप। इट्स रिटन दैट इट्स वेरी इजी कि इसे एक्ट्स ऑफ गॉड कह दिया जाए, बट इट्स नॉट अ एक्ट ऑफ गॉड, इट इज अ एक्ट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन मेड ग्लोबल वार्मिंग। डू यू एग्री, ह्यूमन मेड ग्लोबल वार्मिंग का ये इंपैक्ट है। एग्री कर रहे हैं बच्चा लोग, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ह्यूमन मेड ग्लोबल वार्मिंग, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये इंसान की करनी है, ठीक है। और देखिए यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी उत्तराखंड इज इट फेसिंग द ब्रंट ऑफ डिजास्टर, टेल मी। उत्तराखंड में केदारनाथ फ्लड्स 2013 और अब फिर 2021 ग्लेशियल बर्स्ट, एग्री। ये पहला आर्टिकल है, दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल। 2013 केदारनाथ फ्लड्स, 2021 ग्लेशियल बर्स्ट, ठीक है। ये देखिए यहां पे 6,000 लोग मरे थे 2013 में, ये देखिए 6,000 पीपल डाइड मिनिमम, ये तो ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। दिस शोज दैट मींस मैनी पीपल आर डाइंग ऑल बिकॉज ऑफ अकरेंस ऑफ डिजास्टर्स। क्या इसके अलावा स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के अलावा, हैव यू सीन द कंसेप्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन टेकिंग अप
मैनी पीपल लाइफ इन लास्ट ईयर, एयर पॉल्यूशन ने अच्छे खासे लोगों की जान ले ली इंडिया में पिछले साल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, एयर पॉल्यूशन एंड हीट वेव्स टेकिंग अप लाइफ्स ऑफ पीपल, ये देखिए यहां लिखा हुआ है। दिल्ली का या हैदराबाद का ये हीट वेव हो या फ्लड्स हो चेन्नई और केरल के, फ्लड्स ये देखिए, फ्लड्स ऑफ चेन्नई केरल, इन शॉर्ट उत्तराखंड डिजास्टर, सेकंड एयर पॉल्यूशन, थर्ड हीट वेव, फोर फ्लड्स। क्या फ्लड्स अकर कर रहे हैं इंडिया में? ये चार डिजास्टर्स कॉमन हो गए। हैव दे बिकम वेरी कॉमन स्टूडेंट्स, टेल मी। हीट वेव का मतलब होता है, सुना है ना, लू जो विंड फ्लो करता है गंगा प्लेन्स में, ठीक है ठीक है, बाहर गए लू लग गया कहते थे, ठीक है, कहते हैं। इसका मतलब साफ है दैट डिहाइड्रेशन एंड हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक अकर कर गया, दैट्स इट। अब बताइए स्टूडेंट, क्या ये चार चीजें कॉमन हो गई हैं? ठीक है, चार चीजें कॉमन हो गई। दीज फोर थिंग्स हैव बिकम कॉमन इन इंडिया। व्हाट फोर थिंग्स? फर्स्ट इज दिस फ्लड्स इन उत्तराखंड, सेकेंड इज हीट वेव, थर्ड इज फ्लड्स इन चेन्नई, एंड फोर्थ इज एयर पॉल्यूशन। उसके बाद लिखा हुआ है यहां पे टेक्सास में कोल्ड वेदर, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर टेक्सास में। बोलेंगे सर टेक्सास में ये कोल्ड वेदर कहां से आ गया सर? ठीक है, ये कोल्ड वेदर कहां से आ गया टेक्सास में? ये कोल्ड वेदर सर आर्कटिक ओशन पे रहता था। आर्कटिक ओशन, यस, आर्कटिक वेव्स आर कमिंग अप इनसाइड यूएस एंड कनाडा। इज दिस गोइंग टू बी अ बिगेस्ट डिजास्टर? टेल मी, आर्कटिक वेव्स आर कमिंग अप। ये जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है टेक्सास में, ये कहां से आया है? आर्कटिक कोल्ड वेव्स। ये पहले आर्कटिक ओशन के ऊपर रहता था, लेकिन क्या वहां पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? टेल मी, क्या वहां ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? और यही वजह शिफ्टिंग हो रहा है विंड्स का, शिफ्ट ऑफ विंड्स। बढ़ गए स्नो स्टॉर्म्स, बढ़ गए हैं कोल्ड वेव्स यूएस में। दिस इज प्रॉब्लमैटिक। इंटेंसली कोल्ड वेव इज मूविंग साउथ, अ फिनोमिनन दैट इज एक्सिलरेटिंग। टेक्सास जैसी जगह पे जहां जस्ट साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, वहां पे कोल्ड वेव, इमेजिन कीजिए। दिस इज अ डिजास्टर। और इसके बाद लिखा हुआ है, इतना ही नहीं, इसके बाद लिखा हुआ है एक बहुत बड़ा इंडेक्स पब्लिश होता है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये देखिए रिटन आउट हियर, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये देखिए। जर्मन वॉच एक एजेंसी है, वो पब्लिश करती है। इंडिया का रैंक फिफ्थ है रीसेंट, ये देखिए क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये देखिए 2020 में इंडिया का रैंक फिफ्थ है। क्लाइमेट रिस्क मींस कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रोन है क्लाइमेट रिस्क, फिफ्थ रैंक। इज दिस प्रॉब्लमैटिक? टेल मी स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? पांचवा रैंक सबसे ज्यादा इंडिया फेस कर रहा है क्लाइमेट रिस्क, टॉप फाइव कंट्रीज में। इज दिस प्रॉब्लम? यस। और ये देखिए, ये यहां लिखा हुआ है वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स इन 2019। ये देखिए द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 एनालाइजेस। ये इंडेक्स क्या करता है? एनालाइजेस व्हाट एक्सटेंट कंट्रीज एंड रीजन्स हैव बीन अफेक्टेड बाय वेदर रिलेटेड इवेंट्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, हीट वेव्स। और इंडिया का रैंक पांचवा है, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। इसका मतलब है दैट इंडिया इज प्रोन टू क्लाइमेट इवेंट्स, यस। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, क्लाइमेट रिस्क से इंडिया प्रोन है, यहीं पे सबसे ज्यादा आकर करता है, यस। इंडिया तो इनफैक्ट, इंडिया के बारे में कहा जाता है इंडिया इज सिटिंग अप ऑन द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ड्रॉट एंड फ्लड्स। किसी किसी देश में सूखा पड़ता है, किसी किसी देश में फ्लड्स आते हैं, इंडिया में दोनों आकर करता है। ये तो मानसून के कारण होता है, बट दिस इज इंक्रीजिंग बोथ द केसेस। डू यू एग्री? बोथ द केसेस आर राइजिंग। तो ये देखिए, ये जर्मन वॉच, ये कंपनी, ये एजेंसी का नाम है जर्मन वॉच, 181 कंट्रीज, इंडिया इज रैंक फिफ्थ। नाउ टेल मी, शुड देयर बी सर्टन स्टेप्स
फ्रॉम इंडिया साइड, टेल मी शुड देयर बी सर्टन स्टेप्स फ्रॉम इंडिया साइड, ये आर्टिकल वही बात कर रहा है कि इंडिया को समय आ गया है एक्शन लेना भी है, एक्सप्लिसिटली मेंशन भी करना इंडिया इज टेकिंग एक्शन, बट इंडिया अलग से और भी कुछ स्टेप्स ले, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन से स्टेप्स यहां लिखे गए हैं, हैव अ लुक। द फर्स्ट स्टेप विच इज रिटन हियर इज गवर्नमेंट बजट में सेपरेट बजटिंग फॉर क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज, डू यू एग्री, टेल मी। सेपरेट बजटिंग, ये देखिए इंडिया की तरफ से पहला स्टेप होना चाहिए सेपरेट बजटिंग, सेपरेट फंड्स फॉर क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज एक्सप्लिसिटली शो होना चाहिए, एग्री। सेकेंड पॉइंट, यही थोड़ा सा इंडिया अगर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया शुड एक्सप्लिसिटली शो इट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये देखिए यहां लिखा हुआ है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर आफ्टर चाइना एंड यूएस, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर आफ्टर कार्बन एमिशंस आफ्टर चाइना एंड यूएस, इंडिया शुड डिक्लेयर इट्स कार्बन न्यूट्रलिटी गोल। चाइना ने डिक्लेयर किया 2060, जापान ने किया 2050, साउथ कोरिया ने किया 2050, इंडिया इज येट टू अनाउंस अ टारगेट। डोंट यू थिंक इंडिया शुड अनाउंस कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट, अनाउंस कार्बन न्यूट्रल टारगेट, किस तारीख को कार्बन एमिशंस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इंडिया की तरफ से, बात समझ में आ रही है। सेकेंड पॉइंट इंडिया की तरफ से, ये आपके आंसर को और अच्छा करेगा, ठीक है, आपके आंसर में ये दोनों चीजें आनी चाहिए। अच्छा ये बताइए बजटिंग में चाइल्ड बजटिंग आया है, जेंडर बजटिंग आया है, क्या क्लाइमेट बजटिंग आना चाहिए, यहीं से मेरा पॉइंट निकल रहा है, क्या क्लाइमेट बजटिंग आना चाहिए अलग से, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या सारे मिनिस्ट्रीज को, क्या सारे मिनिस्ट्रीज, ऑल मिनिस्ट्रीज शुड बी गिवन अ टारगेट क्लाइमेट बजटिंग, टेल मी यस। क्लाइमेट रिलेटेड आपने क्या स्टेप लिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ दिस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन, सेपरेट सेपरेट मेंशन कीजिए, क्लाइमेट बजटिंग, द नीड ऑफ क्लाइमेट बजटिंग इन इंडिया, यस इट इज नीडेड। ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका वैल्यू एडिशन इस आंसर में, ठीक है। इसके अलावा टेल मी स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये तीसरा स्टेप यहां लिखा हुआ है दैट पॉलिसी मेकर्स नीड्स टू कनेक्ट डॉट्स बिटवीन कार्बन एमिशंस, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, मेल्टिंग ग्लेशियर्स। अच्छा कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स, अच्छा पॉलिसी मेकिंग इंडिया में क्या है, डिस्क्रीट है, अलग अलग है। ये देखिए थर्ड स्टेप, पॉलिसी मेकिंग शुड बी इन द फील्ड शुड बी इंटर रिलेटेड, यस। इंडिया में क्या होता है, कार्बन एमिशंस काउंटर करने का अलग पॉलिसी, फ्लड का अलग पॉलिसी, क्या ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, टेल मी, क्या ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो क्यों पॉलिसी मेकिंग अलग अलग, क्यों नहीं ये कनेक्टिंग द डॉट्स, पॉलिसी मेकिंग कनेक्टिंग द डॉट्स, यस। अलग अलग डिस्क्रीट पॉलिसीज रहेंगी, फायदा नहीं करेंगी। ये देखिए थर्ड पॉइंट, ये तीन पॉइंट्स, ये अच्छे पॉइंट्स आ चुके सामने, ठीक है। और इतना ही नहीं, डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ चेंज इन द पीपल्स माइंड, इट शुड सर्व एज अ लेसन, जो उत्तराखंड डिजास्टर हुआ, इट शुड सर्व एज अ लेसन, ताकि पब्लिक के दिमाग में भी आए कि अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। इन शॉर्ट द फोर्थ स्टेप इट्स डिमांडिंग इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, दैट्स इट। बस ये चार स्टेप्स और आपका आंसर बहुत अच्छा। ये चार स्टेप्स आंसर के लिए ही नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी आना चाहिए इसका, ठीक है। ये पॉलिसी मेकिंग में आनी चाहिए ये पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्लाइमेट बजटिंग, सेपरेट फंड्स फॉर क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज, सेपरेट टारगेट्स फॉर ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, यस। सेकेंड, अनाउंसमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट बाई इंडिया, यस, ठीक है। नहीं देखिए पेट्रोल के प्राइसेस को इससे लिंक मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया, देखिए मैं बता दूं आपको, देयर शुड बी अ कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन, ये अगर आप इसको लिंक कीजिएगा इट इज अ फार फेचर्ड लिंक, देयर शुड बी अ कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, पॉलिसी मेकिंग शुड बी इंटर रिलेटेड, कनेक्टिंग द डॉट्स, जो फ्लड की पॉलिसी हो,
जो कार्बन न्यूट्रल की पॉलिसी हो, जो ड्रॉट्स की पॉलिसी हो, सब में कुछ कुछ कॉमन इंटरलिंकेजेस रहने चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तब जाके इंडिया का रैंक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में रिड्यूस करेगा, पांचवें रैंक से नीचे आएगा। इंडिया का रैंक बहुत खराब है। गॉट इट? क्लियर? तब जाके इंडिया का रैंक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में नीचे आएगा। बाबा बोलेगा, सर ये आर्टिकल आपने पढ़ाया क्यों? फर्स्ट, इफ यू विल आस्क मी स्टूडेंट्स, यहां से सवाल क्या आएगा? प्रीलिम्स लास्ट ईयर 2020 में ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है? विच एजेंसी पब्लिशेस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? जरूर से पढ़िएगा, जर्मन वॉच। और इंडिया का रैंक क्या है रिसेंटली? इंडिया का रैंक रिसेंटली, ठीक है, It's 815. एंड विच एजेंसी? जर्मन वॉच। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मेंस में क्लाइमेट चेंज काउंटर करने के लिए ऐसे आ सकता है, व्हाट शुड बी इंडियाज स्टेप्स? ऐसे या क्वेश्चन इन जीएस पेपर 3, व्हाट शुड बी इंडियाज स्टेप्स? ठीक है, इंडिया की तरफ से क्या नए स्टेप्स लिए जाने चाहिए? आपने यहां देख लिया फोर स्टेप्स, दैट्स इट। ठीक है, इज दिस क्लियर? सेपरेट क्लाइमेट बजटिंग, अनाउंसमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल टारगेट, थर्ड पॉलिसी मेकिंग इंटर रिलेटेड, एंड फोर्थ कम्युनिटी पार्टिसिपेट। आइए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, ये छोटा सा आर्टिकल, मजा आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला टॉपिक, डिस्पाइट आर्बिट्रेशन टग ऑफ वॉर, म्यूचुअल सेटलमेंट इज द की। इसका बैकग्राउंड मिलता है वोडाफोन केस में, वोडाफोन केस एंड कैंट्स एनर्जी। एग्री कर रहे हैं? कैंट्स एनर्जी, क्या इसको लेकर कुछ वर्डिक्ट आया है? यस अब बताइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे, यहां देखेंगे व्हाट इज, अब ये आर्टिकल, व्हाट इज दिस आर्टिकल टॉकिंग अबाउट? एफडीआई, 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 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफडीआई? व्हेन एनी कंपनी, एनी पर्सन कम्स अप इन इंडिया, मेक्स अप अ टैंजिबल इन्वेस्टमेंट। टैंजिबल मीन्स विजिबल इन्वेस्टमेंट, टैंजिबल विजिबल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज, रोड्स, बिल्डिंग्स, कंपनीज, दे आर टैंजिबल इन्वेस्टमेंट। तो टेल मी, जब एफडीआई करने कोई आता है तो क्या ऐसे ही चल देता है कि चलो एफडीआई करते हैं सीरिया में, या सोचता है? सोचता है। एफडीआई डिपेंड्स अपॉन न्यूमरस फैक्टर्स, यस, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। एफडीआई करने के बाद आप सोचोगे, पहली पहली सोच क्या होगी? यार मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं वहां पे? तो सीरिया में जिंदा नहीं रहूंगा, सीरिया नहीं जाना है मुझे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वहां की सरकार स्टेबल है कि नहीं? स्टेबल नहीं है, म्यांमार, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, म्यांमार अनस्टेबल गवर्नमेंट, आई विल नॉट गो देयर। थर्ड, क्या वहां पे, थर्ड पॉइंट, क्या वहां पे किसी दूसरे कंट्री का इंटरवेंशन है? ओके, चाइनीज इंटरवेंशन, श्रीलंका, नहीं जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? फोर्थ, वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज कंजर्वेटिव, वहां नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली आप सारे फैक्टर्स देखते हैं, और यही सारे फैक्टर्स जो बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, इसको वर्ल्ड बैंक ने एक जगह पे पुटअप किया हुआ है, उसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। डू यू एग्री? ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? टेल मी। ये देखिए, वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक ने 10 पैरामीटर्स, 10 पैरामीटर्स पे रैंकिंग निकालता है वर्ल्ड के कंट्रीज का, ठीक है, वर्ल्ड के कंट्रीज का। व्हाट दैट, ये 10 पैरामीटर्स पे, ये देखिए, ये देखिए, 10 पैरामीटर्स पे रैंकिंग कितना है, ठीक है। क्यों? ये 10 पैरामीटर्स का मतलब क्या है? दीज 10 थिंग्स आर सीन बाई एनी कंपनी बिफोर कमिंग टू दैट कंट्री। ये प्योर इकोनॉमिक फील्ड के इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक फील्ड के इंडिकेटर्स, 10 इंडिकेटर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे, इसमें एक पॉइंट है, एनफोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये देखिए, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिया का रैंक वन ऑफ द वर्स्ट है इसमें। ये देखिए, वर्स्ट है इसमें, देखिए अभी एट प्रेजेंट, ये देखिए, ये 2-3 साल पहले का है, 2018-19 का ये रैंकिंग है,
एनफोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एनफोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज वेरी पुअर इन इंडिया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये देखिए एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स 163 रैंकिंग, ये देखिए, ठीक है। अब आप बोलिए कि सर ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब है स्टूडेंट्स जब कोई कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, इवन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, इवन मींस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए, और इसी कॉन्ट्रैक्ट, यही कॉन्ट्रैक्ट से कितनी बार कंपनीज निकल जाती हैं, कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई निकल जाता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैसे वहां पे मेंटेन किया जाए, कोई नई चीज ना आ जाए बीच में, इसको लेकर वहां पे क्या सिस्टम है, जुडिशरी का। जुडिशरी क्या कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाती है कि नहीं, इसमें इंडिया का रैंक बहुत खराब। और ये देखिए एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट इतना खराब है इंडिया में क्योंकि जुडिशियल पेंडेंसीज है। इसी पे पता है, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, 2017 इकोनॉमिक सर्वे ने पॉइंट आउट किया था, मैं बता दूं आपको, उसमें एक सेंटेंस से शुरू किया गया था उस इकोनॉमिक सर्वे को, उस चैप्टर को, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को, दिस क्या कहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, याद आ गया होगा आपको, ठीक है, तारीख पे तारीख बॉलीवुड मूवी का ये डायलॉग पुटअप किया गया था, न्याय नहीं मिलता केवल तारीख मिलती है। The same thing was put up in the economic survey, the same dialogue, that in India it becomes very difficult for enforcing contracts because of judicial pendencies. ठीक है, judicial pendencies, ठीक है, मुझे फोटो नहीं मिला अभी, नहीं तो मैं यहां put up करता जरूर, ठीक है, clear इस जगह पे, yes। तो ये बताइए students कि क्या ये परेशानी का सबब है, और यही वजह होती है कि कंपनीज में अगर कोई डिस्प्यूट होता है देर गो अब्रॉड, देखिए अब्रॉड जाते हैं, दूसरे जगहों पे कोर्ट्स हैं, एक बड़ा कोर्ट है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, सुना है आपने, ग्लोबल लेवल पर कोर्ट है, इसके डिफरेंट डिफरेंट बेंचेस हैं, सिंगापुर में है, एम्स्टरडैम में, वहां जाकर केसेस किए जाते हैं, क्लियर। अरे बहुत ठीक है, बहुत ज्यादा मैं बता दूं आपको दैट दिस, आप बोलिएगा कि सर क्यों डिले हो रहा, डिले बहुत रीजन से है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था आपको जुडिशरी में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जो केसेस हैं एवरेज टाइमलाइन कुछ 4 से 5 साल लगता है कम से कम। अच्छा ये बताइए कंपनीज कैन दे वेट फॉर 4-5 ईयर्स टाइम, उनके लिए समय का मतलब पैसा होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए स्टूडेंट्स क्या ये बात समझ में आ गई, टेल मी स्टूडेंट्स। अब यहां से आप बोलेंगे सर यहां लिखा क्या है, ये लिखा क्या है, देखिए अभी रिसेंटली 2 verdicts केम अप, बोथ verdicts वर अगेंस्ट इंडिया, वन वाज वोडाफोन, वन वाज कैंट्स एनर्जी। ध्यान दीजिए इस आर्टिकल में लिखा क्या है और इंडिया को क्या करना चाहिए, ये देखिए। तो फर्स्ट verdict वाज वोडाफोन केस, सेकेंड वर्डिक्ट वॉज कैंट्स एनर्जी केस, एग्री टेल मी। ये देखिए दोनों केस में इंडिया के खिलाफ वर्डिक्ट आया, इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने वोडाफोन और कैंट्स एनर्जी केस में जो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हुए थे, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर कहिए या सेल कहिए, सेल ऑफ एसेट्स, एसेट का मतलब क्या, जमीन प्रॉपर्टी, सेल किया गया था। वोडाफोन के केस में किसने सेल किया था, सुना होगा आपने, हच ने सेल किया वोडाफोन को, हच वॉज द प्रीवियस कंपनी, याद कीजिए हच, वो डॉग आता था ना एड में, हच SR, ठीक है, वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया सिम कार्ड उसका, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कैंट्स के अंदर भी वही हुआ, कैंट्स के अंदर, तो ये जब प्रॉपर्टी, ये पता है इसने सेल किया इसको, कैंट्स कैंट्स इंडिया एक कंपनी थी, इसने भी सेल किया दूसरे कंपनी को, वेदांता को, और उसी समय कहा गया जब आपने सेल किया है, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब आप बोलिए सर सेल ऑफ एसेट्स का मतलब क्या, जैसे आप जमीन लेते हैं, जमीन एसेट है, 5 लाख में लेते हैं और मान लीजिए उस जमीन की कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए,
सेल इट, 95 लाख का आपका प्रॉफिट। तो भाई क्या आपको घर ऐसे ही जाने दिया जाएगा? नो, फिर टैक्स लगेगा। इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स हुआ है और इसे कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, ठीक है। आपको टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का राइज हुआ है प्राइस क्योंकि वहां ट्रांसपोर्ट गया होगा, रेलवे गया होगा, दिस इज द रीजन। तो द सेम थिंग हच ने वोडाफोन के सेल किया, कैंट्स इंडिया ने कैंट्स को और वेदांता को सेल किया। कहा गया दैट अल्टीमेटली एसेट सेल हुआ है प्राइस बढ़ाकर, इसका मतलब है सरकार टैक्स इकट्ठा। लेकिन टैक्स, लेकिन ध्यान दीजिए, हच और कैंट्स इंडिया ने ऐसा तरीका अपनाया, लूप होल का फायदा उठाया, बाहर में जाकर साइन किया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वॉज साइंड आउटसाइड, और इंडिया के टैक्स बुक्स में लिखा हुआ है जो इंडिया में एग्रीमेंट साइन होगा उसी पे इंडिया टैक्स ले सकता है। बाहर जाके साइन किया था एग्रीमेंट, देखिए लूपहोल निकाला गया था, ठीक है। एंड दिस वाज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा यार बहुत इतना फायदा उठा लिए, दूसरे जगह जाके साइन किया एग्रीमेंट, इंडिया के अंदर की जमीन के ऊपर मुझे टैक्स चाहिए। और इसी के ऊपर दिस वॉज द रीजन वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ट अ रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेट से टैक्स लॉस, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव? बैक डेट से टैक्सेशन। उसमें लिखा हुआ था दैट इंडिया का पूरा अधिकार है बाहर में भी जो ट्रांजैक्शन साइन किए गए हैं, एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, ठीक है, जमीन के कागज के, ठीक है, उस पर भी इंडिया के टैक्स ऑफिसर्स का पूरा पूरा क्या कहते हैं दिस पावर है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। और उसी के ऊपर इंडिया ने टैक्स डिमांड किया इन दोनों कंपनीज। बट बोथ द कंपनीज वेंट टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये देखिए ये देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और वहां पे दोनों जगह से इंडिया के खिलाफ में वर्डिक्ट है, कहा गया ये गलत है, ये गलत है, आपने बाद में टैक्स लॉ पास किया है, पहले नहीं था। अल्टीमेटली व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दैट इट हैज क्रिएटेड अ मींस इट हैज टार्निश्ड द इमेज समवॉट ऑफ इंडियाज इंडिया एज अ एफडीआई डेस्टिनेशन बाय द फॉरेन फॉर द फॉरेन कंपनीज। ये देखिए फॉर द इंडियन एफडीआई इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप द ईयर 2020 मे हैव बीन अ वेलकम बैग of enhanced money flow, bold policy changes and billion dollar milestones. अच्छे step लिए गए, लेकिन दो cases, one was Kent's Energy and one was Vodafone, both have served as a puncture in the bag of trust. ठीक है, puncture in the bag of trust, that's it, यहां लिखा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है दैट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज के खिलाफ गया इंडिया। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, आप ध्यान दीजिए, जब कोई कंपनी इंडिया आती है, मान लीजिए वोडाफोन वॉज यूके कंपनी, वोडाफोन यूके की कंपनी इंडिया आ रही है, तो क्या ऐसे ही आ जाएगी या पहले इंडिया और यूके के बीच में कुछ या इंडिया और दूसरे कंट्रीज के बीच में कुछ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन होगा? फिट What is the meaning of bilateral investment treaty? कि तुम मेरे यहां की कंपनी को अपने यहां प्रोटेक्शन देना, मैं तुम्हारे यहां की कंपनी को अपने यहां प्रोटेक्शन। Means I will not be partial to your company, you don't be partial to my company. Bilateral investment treaty. क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो मुझे मुझे यस कीजिए चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही दिस वॉज द रीजन बिट वॉज साइंड। तो कहा गया बिट में लिखा हुआ था कि आप वोडाफोन या आप कैंट्स एनर्जी को इज्जत दीजिएगा, आप पार्शियलिटी नहीं कीजिएगा, आपने पार्शियलिटी किया। इसी बेसिस पे इंडिया के खिलाफ वर्डिक्ट आया ग्लोबल ग्लोबल कोर्ट्स में, ठीक है। दिस वाज द रीजन व्हाई इंडिया लॉस्ट द केस। इंडिया ने साइन किया था कि मैं आपकी कंपनी को इज्जत दूंगा, दैट्स इट। जब साइन किए हो तब तो मानना पड़ेगा बात, ठीक है। And this was the reason that, ये देखिए इसमें सबसे खराब कैंट्स एनर्जी का केस है। यू नो वाई, यू नो वाई? अभी कैंट्स को लेकर लास्ट वीक डिस्कशन भी हुआ है, कैंट्स के लोग आकर मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों से, ठीक है। बिकॉज कैंट्स के कैंट्स एनर्जी के एसेट्स सीज कर लिए गए थे, भारत सरकार ने सीज कर लिए थे।
ठीक है। और यही वजह देखिए यहाँ पे सीजर एंड शेल ऑफ कैन शेयर, सीजर ऑफ इट्स डिविडेंड्स सब सीज कर लिया गया था, कहा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा रिलीज कीजिए इसे, रिलीज कीजिए। तो इंडिया का ये एक्शन ठीक नजर से नहीं देखा जाएगा इंटरनेशनल लॉ। सो अल्टीमेटली व्हाट बॉयल्स डाउन इन दिस आर्टिकल, ये दो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट दैट ये आर्टिकल में लिखा हुआ है लास्ट में दैट अब एमिकेबली सेटल किया जाना चाहिए विवाद। नहीं टर्मी, ये जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट हैव अ लुक, दिस शुड बी सॉल्व एमिकेबली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड आप जाकर आप सोचिएगा, आप एक्शन लीजिएगा, कहीं रास्ता नहीं निकले। तो फर्स्ट इंडिया शुड गो फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, शांति से। ठीक है, सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स। एग्री स्टूडेंट्स, पुट अ यस इन द चैट बॉक्स। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मीडिएशन शुड बी द की। मीडिएशन मीन्स आपस में ही बात करके रास्ता निकालो, शुड बी द की, शुड बी द की। अब आप बोलिएगा कि सर ये क्या वर्डिक्ट बाइंडिंग है? वर्डिक्ट बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन टेल मी स्टूडेंट, कल को कोई आएगा क्या एफडीआई करने? और क्या एफडीआई से अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन आता है? टेल मी, क्या एफडीआई में अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है? आज बताइए, अमेजॉन, गूगल, इसके एफडीआई के कारण क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है इंडिया में? क्या इससे एक टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है भारत सरकार का? यस, ठीक है। तो ये देखिए, एमिकेबल सेटलमेंट मींस थोड़ा दोस्ती से, लड़ाई करके नहीं, ये क्या गुस्से में बात करने, गुस्से से नहीं, बातचीत करके, चलो आज चलो बातचीत कर लेते, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड मीडिएशन किया जाए कोर्ट्स के बाहर, कोर्ट्स के बाहर, आउटसाइड कोर्ट्स। एग्री कर रहे हैं? क्योंकि कोर्ट्स के कारण क्या, कोर्ट्स का जो वर्डिक्ट पब्लिश होता है, क्या उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स जर्नी? क्या उससे इम्पैक्ट पड़ता है बताइए मुझे? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अल्टीमेट इंडिया को अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट शुड बी सीन बाय इंडिया। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इज अट्रैक्टिंग मोर एफडीआई। एग्री, अट्रैक्टिंग मोर एफडीआई फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एग्री कर रहे हैं? रोजगार के लिए भाई, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको एफडीआई लाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या इंडिया को अपने टैक्स लॉज अमेंड करने चाहिए तरीके से? और ध्यान दीजिए, क्या फिफ्थ पॉइंट, बिट्स साइन करते समय ध्यान देना चाहिए, बिट्स साइन करते समय स्पेशल स्पेशल कॉशन, एंड टैक्स लॉ शुड बी अमेंडेड एंड ट्रांसपेरेंट। डू यू एग्री? ट्रांसपेरेंसी बताइए मुझे। अगर कोई कल को ये कहे कि ऐसा है, 2 साल पहले जो आपने जमा किया था, आपके पास जो इनकम आया था, उस पर इनकम टैक्स और 10% दे, क्या चिंता की बात है? टेल मी, क्या चिंता की बात है कि नहीं बताइए मुझे? टैक्स लॉ शुड बी अमेंडेड, शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड बिट्स शुड बी साइंड विद कॉशन, विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। एग्री कर रहे हैं? तभी जाके ये पांच चार पांच चीजों पे इंडिया को फोकस करना पड़ेगा, इंडिया को क्लैरिटी लानी पड़ेगी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? क्लियर पिक्चर, क्लियर पिक्चर, पिक्चर शुड बी क्लियर अबाउट कि इंडिया में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्लैरिटी, अल्टीमेट एम इज टू ब्रिंग क्लैरिटी, और तभी जाके इंडिया का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा इंडिया में। डू यू एग्री? बस यही है, यही इस आर्टिकल का एम है, यही ये आर्टिकल कह रहा है स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली इंडिया शुड वर्क टू ब्रिंग अ क्लियर पिक्चर, ताकि एफडीआई, एफडीआई में देखिए क्लैरिटी रहनी चाहिए, साफ साफ बात कीजिए। दैट्स इट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई होप आपको समझ में आ रही है बात, ये देखिए, और तभी जाके इंडिया टॉप 10 में आ पाएगा एफडीआई में, अभी टॉप 12 में है, और इंडिया होल्ड कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा ग्लोबल मार्केट में। यस, दिस इज इट। तो यही 4-5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, दैट्स इट स्टूडेंट्स, 2 एडिटोरियल्स के लिए। और अब चलिए न्यूज पे चलते हैं, आई सपोज इंटरेस्ट आ गया है। दोनों एडिटोरियल्स कहां कहां, ये कहां इस्तेमाल होगा अभी पता है? केंट्स और वोडाफोन के ऊपर अलग से आएगा क्वेश्चन इस बार, कि व्हाट शुड बी द वे आउट, वे आउट। इंडिया
इंडिया अलग से क्या इंडिया की तरफ से वे आउट रहे, इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। तो ये पांच स्टेप कम से कम, ये एडिटोरियल बता रहा है, ठीक है। बिट्स का मतलब होता है बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज आर साइन बिटवीन टू कंट्रीज, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, कि तुम मेरे यहां की कंपनी को अपने यहां पे इज्जत देना, मैं तुम्हारे कंपनी को अपने यहां इज्जत दूंगा, दैट्स इट, इट्स अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, ठीक है। क्योंकि जब कोई कंपनी जाती है दूसरे देश में तो क्या हो सकता है, बहुत बार अब कोई फॉर एग्जांपल विल यू एवर गो टू नॉर्थ कोरिया अगर आपकी कंपनी है तो, या सीरिया, नो, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अरे टॉप 12 है स्टूडेंट एफडीआई में, लेकिन इंडिया का जो एफडीआई अच्छा खासा आता है मॉरिशियस से, बात समझ में आ रही है, मॉरिशियस सिंगापुर वो रियल में एफडीआई ही है या दिस क्या कहते हैं रीरूटिंग ऑफ मनी है, पता नहीं राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाए, अब चलिए दो एडिटोरियल्स हो गए काफी, इंडिया की तरफ से वे फॉरवर्ड पांच स्टेप हम लोगों ने देखा, और इंडिया की तरफ से क्लाइमेट चेंज को लेकर वे फॉरवर्ड फोर स्टेप्स वी सॉ। देखिए रास्ते आज मालूम चले हैं हमें, ये दोनों एडिटोरियल्स ने हमें रास्ता दिखाया है, दैट्स इट, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाए, लेट्स कम बैक टू द न्यूज ऑफ टुडे। न्यूज में सबसे पहला न्यूज ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए पहला न्यूज, ये देखिए आज बहुत न्यूज है, वाइल्ड फायर रेजेस इन सिमलीपाल, सिमलीपाल में वाइल्ड फायर शुरू हो गया है। व्हाट इज सिमलीपाल, लेट्स सी, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, दिस इज इट, ओडिशा, ओडिशा। देखिए दोनों एडिटोरियल्स में वही सवाल आएगा, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड इन, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड टू सॉल्व डिस्प्यूट्स लाइक वोडाफोन एंड केन्स, वे फॉरवर्ड इंडिया की तरफ से, ठीक है। और वहां क्लाइमेट रिस्क को भी देखकर, व्हाट शुड द वे फॉरवर्ड फ्रॉम इंडिया रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मैंने दोनों एडिटोरियल्स बता दिए लिंक करके, क्लाइमेट चेंज का एडिटोरियल लिंक करना है, क्लाइमेट चेंज टॉपिक आएगा, इंडिया क्या करे, व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप शुड इंडिया टेक, व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप शुड इंडिया टेक, ठीक है, टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, चार स्टेप हमने देखा। सेकंड, व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप शुड इंडिया टेक टू प्रोमोट एफडीआई, व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप शुड इंडिया टेक टू प्रोमोट एफडीआई आफ्टर द वोडाफोन एंड केन्स एनर्जी के। एक सवाल लिख लीजिए, अभी एक सवाल लिखिए आप लोग, जब इतना सवाल चाहिए आप लोगों को तो सवाल लिखिए, एग्जामिन द फैक्टर्स लिखिए अभी, एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एफडीआई, एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एफडीआई इन अ कंट्री, एफडीआई इन अ कंट्री, अभी लिखिए, एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एफडीआई इन अ कंट्री। Do you agree that the recent Vodafone and Cairns Energy case, has reduced the trust of foreign companies in India, have reduced the trust of foreign companies in India? I repeat, examine the factors affecting FDI in a country. Do you agree that the recent Vodafone, ठीक है, and the Cairns Energy case has reduced the trust of foreign companies in India? What should be the way forward? ठीक है, what should be the way forward? Clear इतना, 15 number 250 words. What should be the way forward? इतना हो जाएगा students, tell me. 15 marks, 250 words. चलिए आगे बढ़ जाए, आज देखते हैं सिमलीपाल, आज खत्म करेंगे हम लोग भाई, ठीक है, सिमलीपाल में क्या क्या हम देखेंगे आज। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है,
सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड फायर आ गया, द हिंदू का ये न्यूज। वेयर इज सिमलीपाल, लेट्स सी। ये देखिए सिमलीपाल ईस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में ओडिशा में। ये देखिए ईस्टर्न घाट्स कितने स्टेट्स में, ये देखिए ओडिशा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, फाइव स्टेट्स। यस, ये देखिए। अब आप बोलेगा सर आपका तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स फेवरेट टॉपिक है। मेरा नहीं है फेवरेट टॉपिक, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। फाइव स्टेट्स एंड हैव अ लुक, इसमें सबसे ज्यादा ईस्टर्न घाट्स लाई इन विच स्टेट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 40% ईस्टर्न घाट्स लाई, 40% ईस्टर्न घाट्स आंध्र प्रदेश में लाई करते हैं। और उसके बाद ओडिशा में 25%, तमिलनाडु में 25% एंड तेलंगाना एंड कर्नाटक में 5-5%, दैट्स इट। ठीक है, पांच राज्य और इसी ईस्टर्न घाट्स में। क्या यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अलग होगी, टेल मी? क्या यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीसीज अलग होंगे, कुछ एंडेमिक होंगे? यस। क्या उनको कंजर्व करने के लिए कुछ बड़े रीजन्स बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स? टेल मी, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज। यहां पे दो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एक है सिमलीपाल और एक है शेषाचलम हिल्स। सुना है आपने शेषाचलम हिल्स इन आंध्रा एंड फर्स्ट इज सिमलीपाल इन ओडिशा, दैट्स इट। ठीक है, तो सिमलीपाल पे आज फोकस है। ये देखिए सिमलीपाल, ये देखिए हैव अ लुक, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। ये देखिए सिमलीपाल में एलिफेंट्स के लिए सिमलीपाल बहुत फेमस है, सिमलीपाल एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पे मेनली साल्ट ट्रीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप बोलेगा सर यहाँ सिमलीपाल से क्या सवाल आ सकता है लोकल ज्योग्राफी के ऊपर? इट्स द रिवर्स विच आर इंपॉर्टेंट। ये देखिए फेमस रिवर्स ऑफ सिमलीपाल, हैव अ लुक। इसमें खरकई रिवर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा खरकई रिवर। एटलस में नहीं मिलेगा, चिंता मत कीजिए, खरकई रिवर लिख लीजिए, इज अ पार्ट ऑफ सिमलीपाल। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पे रिवर्स के अलावा वाटरफॉल्स आर इंपॉर्टेंट। तो जोरांदा वाटरफॉल एंड बड़ेहा पानी वाटरफॉल, दो वाटरफॉल्स हैं। खरकई रिवर फेमस, जोरांदा एंड बढ़िया पानी वाटरफॉल्स आर फेमस सिमलीपाल। सिमलीपाल में, अच्छा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। इसको टैगलाइंस दिए गए ओडिशा में मयूरभंज में। खरकई रिवर फेमस यहां पे। और सबसे बड़ा पॉइंट, ओडिशा इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया to have all the three species of crocodiles. ये देखिए crocodiles, एक है घड़ियाल, एक है gavialis, sorry एक है घड़ियाल, एक है मगरमच्छ और एक है salt water crocodile. Have you heard the three names? Tell me, घड़ियाल, मगरमच्छ and salt water crocodile, all three are found in Odisha, only state of India to have all three crocodiles. ठीक है, और crocodiles को लेकर, crocodiles को क्या protection दिया गया? Yes, Wildlife Protection Act 1972. इसके तहत Schedule 1 में listed है crocodile. Schedule 1 means highest protection Schedule 1 में लिस्टेड क्रोकोडाइल, उसी में जिसमें ब्लैक बक, वो राजस्थान वाला, ठीक है, बहुत न्यूज में आया था, ठीक है, वो भी लिस्टेड है। एग्री कर रहे हैं? तो थ्री टाइप्स, घड़ियाल, मगरमच्छ एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, हाईएस्ट प्रोटेक्शन गिवेन शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वही ब्लैक बक वाला केस। ठीक है, और ये देखिए यहां देखिए, इन सिमलीपाल देर वॉज अ मगर क्रोकोडाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम। मगर क्रोकोडाइल के लिए स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था खैरी रिवर पे। खैरी रिवर पे
मगरमच्छ मगर क्रोकोडाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड. यस क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स, मगरमच्छ क्रोकोडाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम कहां लॉन्च किया गया था? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व. सवाल ऐसे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज वेरी फेमस फॉर द मगरमच्छ क्रोकोडाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम. सेकेंड पॉइंट, ओडिशा इज द ओनली स्टेट टू हैव ऑल द थ्री स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स. बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा आप लोग. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ आ गए. ठीक है, टेल मी क्या ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस हैं या ब्रोकन है? टेल मी स्टूडेंट्स, आर द ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन? दे आर ब्रोकन. ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रोकन है. क्यों? रिवर महानदी, रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा, एग्री कर रहे हैं? जहां जहां रिवर्स आई हैं इट्स ब्रोकन, इट्स नॉट कंटिन्यूअस. क्लियर स्टूडेंट्स, टेल मी. यहाँ पे एक स्ट्रेच, यहाँ पे एक स्ट्रेच, यहाँ पे एक स्ट्रेच. ठीक है, इट्स ब्रोकन. इट्स ऑल्सो ऑफ लो हाइट, लो हाइट, लो हाइट. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, क्या यहां रिवर्स डेल्टा बनाती हैं? कौन सी रिवर्स है बताइए, क्या रिवर्स डेल्टा बनाती हैं? एंड अगर रिवर डेल्टा बनेगा तो टेल मी स्टूडेंट्स, क्या वहां पे, क्या वहां पे सेडिमेंट्स के साथ, सेडिमेंट्स के साथ क्या वहां पे डेड रिमेन्स आएंगे प्लांट्स एनिमल्स के? मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्या यहां डेड रिमेन्स आएंगे प्लांट्स एनिमल्स के? और क्या इसी को कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स? कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, हैव यू हर्ड ऑफ इट? टेल मी स्टूडेंट्स, दैट्स इट. चल रहा है एक्सप्लोरेशन. ठीक है, दीज माउंटेन्स आर डिसेक्टेड बाई महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू एंड कावेरी रिवर्स. ये देखिए, ठीक है, अब इसी बेसिस पे एक सवाल प्रीलिम्स का बनता है यहाँ पे. ये देखिए, ये देखिए, एक सवाल देख लीजिए आप लोग, सॉल्व कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं. अच्छा लगेगा आप लोगों को भी प्रीलिम्स के लिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्टर्न घाट्स. द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन, डिसकंटिन्यूअस, लोअर altitude as compared to western घाट्स. The eastern coastal plains have less potential deposits of hydrocarbons as compared to western coastal plains. Which of the above are correct? I hope I am audible and visible. Tell me. आवाज आ रही है कि नहीं बताइए भाई. ठीक है, क्योंकि आवाज नहीं आएगी तब तो सारा कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा. ठीक है, इट्स ए इज ओनली करेक्ट. यस, क्या बात है, ईस्टर्न घाट्स इज मोर ओल्ड. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स इज ऑफ रिसेंट, वेस्टर्न घाट्स बाद में हुआ है ईस्टर्न घाट से. ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी, सबसे पुरानी टोपोग्राफी ईस्टर्न घाट्स की है. ठीक है, तो मजा आ गया सॉल्व करके एमसीक्यूज. आइए आगे बढ़ जाएं, एक और भी एमसीक्यूज देखिए, एक और भी सवाल है. वेयर आर यू एक्सपेक्टेड टू गेट ऑल द स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स इन इंडिया? ये देखिए, यूपीएससी ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है ये यूपीएससी एनवायरमेंट में. ये देखिए, ये देखिए, ओडिशा, दैट्स इट. आप सुंदरबंस मार्क कीजिएगा, मुझे पता है. ठीक है, मैक्सिमम बच्चा लोग यही मार्क करेगा, ओडिशा कहां से हो जाएगा, या हो सकता है असम मार्क कर ले. कुछ लोग असम के हैं, मार्क करेंगे असम. ओडिशा वालों का मींस ओडिशा से जो बच्चे हैं वो सोचेंगे ओडिशा में क्रोकोडाइल दिखा नहीं आज तक. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा. गॉट इट, इट्स ओडिशा, दैट्स इट, दैट्स इट. मान गए भाई, आप लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं. ठीक है, सो आई सपोज प्रीलिम्स के लिए क्लियर है ये टॉपिक. टेल मी स्टूडेंट्स, यहां टाइगर्स भी पाए जाते हैं, मेलानिस्टिक टाइगर्स. मेलानिस्टिक वर्ड आया था लेपर्ड्स के लिए. ठीक है, मेलानिस्टिक का मतलब क्या, मेलानिन पिगमेंट, मैंने कुछ बताया था. ठीक है, क्लियर. चलिए आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं. ठीक है, लेट्स प्रोसीड अहेड. अगला न्यूज, सेकेंड न्यूज आज का, ग्रीनलैंड ग्रीन पावर. और उसके लिए ये देखिए, ग्रीनलैंड, ये कल का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर का न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. ठीक है,
ये देखिए, ग्रीनलैंड फाइंड्स ग्रीन पावर कैन बी अ कर्स, ग्रीन पावर कैन बी अ कर्स। यस देखिए यहां पे, ये देखिए, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड इज आवर हब फॉर रेयर अर्थ मेटल्स। हैव यू हर्ड दिस वर्ड स्टूडेंट, रेयर अर्थ मेटल्स? टेल मी, ये इसके लिए हब है ग्रीनलैंड। कहा जाता है सबसे ज्यादा रेयर अर्थ अभी ग्रीनलैंड के नीचे दबे पड़े हैं। और ये रेयर अर्थ मेटल्स कहां इस्तेमाल होते हैं? सुपर स्ट्रांग मैग्नेट्स में, सुपर स्ट्रांग मैग्नेट्स, ठीक है, सुपर स्ट्रांग मैग्नेट्स में, जिनका इस्तेमाल विंड टर्बाइन। अच्छा, रेयर अर्थ आर यूज्ड फॉर मैग्नेट्स? यस, मैग्नेट्स, एंड मैग्नेट्स का इस्तेमाल कहां पे? विंड टर्बाइन्स, विंड मिल्स। सेकेंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या ये चिंता की बात है? टेल मी। एंड वेपन सिस्टम, वेपन सिस्टम, वेपन सिस्टम, ये देखिए, द रेयर अर्थ मेटल्स आर यूज्ड इन, आर यूज्ड इन, हैव अ लुक, टू मेक मैग्नेट्स, पावरफुल मैग्नेट्स, एंड द मैग्नेट्स आर यूज्ड इन विंड मिल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड वेपन सिस्टम। रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ का मतलब यह कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स, दैट मैं बता दूं दैट अभी तक ये रेयर अर्थ के कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, लिख लीजिए यहां पर, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कोट कीजिए स्टूडेंट्स। लैंथनम सुना होगा आपने, ठीक है, लैंथनम, सॉरी जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं पुट अप कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट, मैं पुट अप कर रहा हूं। स्कैंडियम, स्कैंडियम इज अ रेयर अर्थ मेटल, ठीक है, स्कैंडियम इज अ रेयर अर्थ मेटल, पुट अप कीजिए। इथ्रियम इज अ रेयर अर्थ मेटल, वाई टी टी आर आई यू एम, पुट अप कीजिए। रेयर अर्थ का हब है, मैं बता दूं, रेयर अर्थ का, रेयर अर्थ मेटल्स का हब है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट चाइना, चाइना हब है रेयर अर्थ मेटल्स का, ठीक है। स्कैंडियम, लैंथनम, यस लैंथनम इज ऑल्सो अ रेयर अर्थ मेटल, मैं यहां लिख दे रहा हूं अलग से, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस जगह पे ज्यादा अच्छा रहेगा। लैंथनम पहला, सेकेंड स्कैंडियम, थर्ड, थर्ड एर्बियम, सीरियम, कुछ नेम्स हैं बस याद रखिए, सीरियम, एर्बियम, लैंथनम भी है, स्कैंडियम भी है, सीरियम भी है, एर्बियम भी है, कुछ मैंने बता दिया। 17 मेटल्स होते हैं रेयर अर्थ के, 17 मेटल्स, ये याद रखिएगा। और ग्रीनलैंड इसीलिए नया कंट्रोवर्सी का हब बन गया, ग्रीनलैंड के लोग लाइक वी आर वेरी हैप्पी अलोन सिटिंग हेयर, ठीक है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, वी आर वेरी अलोन सिटिंग हेयर इन द आइस ग्रीनलैंड, ये देखिए ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड एक नया जगह बन गया कोल्ड वॉर का यूएस और चाइना के बीच में। ऑलरेडी चाइना एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनीज हैव कम अप, चाइना एंड ऑस्ट्रेलियाई कंपनीज यहां आ गई हैं रेयर अर्थ के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? टेल मी, क्लियर है? आप बताइए क्या ये चिंता की बात है ग्रीनलैंड के लिए? ये देखिए लिखा हुआ है, इन द 10th सेंचुरी एरिक द रेड, अ वाइकिंग फ्रॉम आइसलैंड, एरिक द रेड, अ वाइकिंग फ्रॉम आइसलैंड, वॉज सो इंप्रेस्ड विद द वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑन अनदर आर्कटिक आइलैंड ही हैड फाउंड, ही कॉल्ड इट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नाम क्यों पड़ा? उसके बगल में एक आइलैंड पे वेजिटेशन था, इसीलिए ग्रीनलैंड नाम पड़ा उस पूरे बेल्ट का। आज ग्रीनलैंड एक नया जगह बन गया वॉर का। क्लियर स्टूडेंट? नहीं, रेडियम नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए ग्रीनलैंड, ये बताइए स्टूडेंट, क्या ग्रीन एनर्जी आज तक सबसे अच्छा माना जाता है? विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्या ये अच्छे माने जाते हैं? यस। क्या ये भी एक कर्स बन गए हैं ग्रीनलैंड के लिए? ग्रीन एनर्जी डिसएडवांटेज। क्या ये आइस हटाना पड़ेगा? क्या ये आइस ड्रिलिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन के लिए? यस।
ये देखिए यही तो न्यूज़ है, ये क्या शो कर रहा है? डोंट यू थिंक जितना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उतना इंटरवेंशन आगे बढ़ रहे हैं? द मोर वी आर प्रोसीडिंग विद ग्रीन पावर द मोर इंटरवेंशन आर कमिंग अप इन द नेचर. इसके पहले एक न्यूज आया था, सुनिएगा, इसके पहले एक न्यूज आया था विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस. ये देखिए विंड टर्बाइंस है, ठीक है, ठीक है, विंड टर्बाइंस. क्या इसके विंड मिल्स के जो दिस क्या कहते हैं जो टर्बाइंस होते हैं, क्या उससे बर्ड्स कट हो जा रहे हैं? टेल मी. डेनमार्क में, यस डेनमार्क, स्वीडन. क्या ये परेशानी की बात है? बहुत परेशानी की बात. बर्ड्स गेटिंग कट बिकॉज ऑफ विंड मिल्स इन डेनमार्क, वो पहला इंपैक्ट था. और आज देखिए ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन, आइस विल बी ड्रिल्ड एंड इट विल बी अ डिजास्टर फॉर डिजास्टर. एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट्स? टेल मी. डिजास्टर. और इसमें सबसे आगे कौन चल रहा है? चाइना, चाइना, चाइना. ये देखिए चाइना, चाइना का इंपैक्ट देखिए, चाइना की इंपैक्ट देखिए इस जगह पे. चाइना इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड, एक्सपेंडिंग 3 एयरपोर्ट्स, एक्सेसिंग मिनरल सेक्टर, डेवलपिंग अ पोलार सिल्क रोड, बिल्डिंग अ रिसर्च स्टेशन. ये देखिए ठीक है. एट प्रेजेंट विच कंट्री इज द हब ऑफ रेयर अर्थ? इट्स चाइना. ठीक है, ग्रीनलैंड में एक्सप्लोरेशन चलेगा, अभी अभी प्रोवन नहीं है रिजर्व्स. ठीक है, टेल मी स्टूडेंट, ये आया था, दिस इमेज केम अप 4-5 इयर्स बैक इन डाउन टू अर्थ एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, वहां से मैंने निकाल कर यहां पुट किया. ये देखिए, और ये देखिए, इसीलिए ट्रंप परेशान थे 2 साल पहले. ट्रंप टोल्ड दैट आई वांट टू बाई ग्रीनलैंड, बोला कि कौन बाई करना चाह रहा है? यूएस वॉन्ट्स टू बाई, डोनाल्ड ट्रंप वॉन्ट्स टू बाई. तो इन्होंने कहा नहीं नहीं गलती बोल दिया, इट्स US wants to buy Greenland. Greenland belongs to Denmark. Do you agree, students? Denmark. अब आप बोलेगा सर इतना आपने पढ़ा दिया, यहां से सवाल क्या आएगा? ग्रीनलैंड कहां पे है? क्या ग्रीनलैंड से आर्कटिक सर्कल गुजरता है? आर्कटिक सर्कल पासेस, यस. क्या ग्रीनलैंड डेनमार्क को बिलोंग करता है? यस. ठीक है, इज ग्रीनलैंड बिलोंगिंग टू डेनमार्क? यस. आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, लोकेट कर लीजिए. Is it an ice-covered belt? Ice-covered belt, yes. Is it expected to hold rare earth metal? Yes, rare earth. सवाल आएगा यूपीएससी में ऐसे ही कुछ. Consider the following statements. Recently, Greenland is expected to become a hub of rare earth metal in near future. Second statement. Greenland belongs to Denmark. And Denmark is a part of Arctic Council group of countries. ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है? क्या ये हो जाएगा स्टूडेंट? टेल मी. और मेंस में डीकोड इंटरलिंक अप्रोच, ग्रीन एनर्जी पे कोई पूछेगा नेगेटिव इंपैक्ट्स, डिसएडवांटेजेस, डोंट फॉरगेट टू मेंशन ग्रीनलैंड विल बिकम अ डिजास्टर ग्रीन एनर्जी के कारण. ठीक है, ग्रीन एनर्जी के कारण दिस कैन बिकम अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर ग्रीनलैंड, दैट्स इट. ठीक है, तो चलिए ये ग्रीनलैंड वाला न्यूज हो गया. देखिए कितने बड़े दो न्यूज हैं, ठीक है, आज की तारीख में दिस फ्रॉम एनवायरनमेंट. आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज. द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के ऊपर कुछ आया हुआ है. ये देखिए लाइवमेंट का न्यूज है आज का, ट्रेडिंग पॉइंट्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स टू बी लॉन्च इन ढाका. इज इंडिया गोइंग फॉर इंक्रीजिंग रिलेशंस विद बांग्लादेश? टेल मी स्टूडेंट्स, बांग्लादेश, टेल मी. और ये बांग्लादेश के अंदर क्या हमारा इंक्रीज फोकस कनेक्टिविटी के ऊपर है? कनेक्टिविटी, यस. ऑलरेडी इंडिया ने बांग्लादेश के साथ इतने ज्यादा एग्रीमेंट साइन किए पिछले 1 decade में कनेक्टिविटी के ऊपर, उसमें से कुछ मैं बता रहा हूं, हैव अ लुक. मैंने यहां नोट डाउन किए हैं, ये देखिए कनेक्टिविटी के ऊपर, ये देखिए
मैत्रेयी एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस क्या लॉन्च किया गया? टेल मी, मैत्रेयी एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस हैज बीन लॉन्च फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स बांग्लादेश। ये देखिए मैत्रेयी एक्सप्रेस, ये देखिए ग्रीनलैंड इज नॉट फार फ्रॉम डेनमार्क। ग्रीनलैंड पहले दूर था, पहले से ही दूर है, डेनमार्क ने वहां जाकर कैप्चर कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, मैत्रेयी एक्सप्रेस बंधन एक्सप्रेस ट्रेन रेल लिंक्स एग्री। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या रिवर रिवर ट्रांसपोर्ट पे भी एग्रीमेंट्स हुए हैं? यस, रिवर ट्रांसपोर्ट। ये देखिए इंडिया एंड बांग्लादेश फिजिकल फीचर, 700 रिवर्स इन बांग्लादेश। उसमें देखिए ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, धुबरी तक इंडिया में है, धुबरी तक नेशनल वाटरवे नंबर 2। डू यू नो अबाउट दिस स्टूडेंट्स, टेल मी। नेशनल वाटरवे नंबर 2 पता है आपको? सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्रा। क्या इसके बाद धुबरी के बाद इज इट एंटरिंग बांग्लादेश? क्या कनेक्टिविटी वाटर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा? यस, वाटर ट्रांसपोर्ट। इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट पे स्पेशल फोकस चल रहा है। इतना ही नहीं, NW नंबर 6, नेशनल वाटरवे नंबर 6, बरक रिवर, सुना है आपने? रिवर बरक कमिंग आउट फ्रॉम हेयर, रिवर बरक, हैव यू हर्ड इट? आपका आज होमवर्क है, नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 6, इंडिया बांग्लादेश उसमें आगे दोस्ती कर रहे हैं। यस, कनेक्टिविटी, वाटर ट्रांसपोर्ट। यस, हैव अ लुक। तो ये हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा क्या देखिए, क्या चेक पॉइंट्स बनाए गए? ये देखिए लैंड पोर्ट्स ऑन 24/7 बेसिस। यस, चेक पॉइंट्स बॉर्डर के ऊपर, सिंपल एंट्री के लिए, रोकने के लिए नहीं, एंट्री के लिए। चेक पोस्ट, चेक पोस्ट बस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होते हैं। क्यों? चेक करने के लिए कि गाड़ी सही आ रही है कि नहीं, बस ट्रांसपोर्ट के लिए। इंडिया बांग्लादेश इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी थ्रू ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑल मोड्स, यस, वॉटरवेज, रेलवेज, रोडवेज। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया गया है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, BBIN कहते हैं, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। इसका साफ साफ मतलब है स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक इंडिया इज वर्किंग वेरी हार्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट? इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उस बेल्ट में इंडिया कनेक्टिविटी चाह रहा है। क्या ये सही स्टेप भी है? यस, इट्स द करेक्ट स्टेप। नेपाल के साथ दोस्ती, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करना है रेस्ट ऑफ इंडिया से, दैट्स इट। तो इसी में ये कनेक्टिविटी, देखिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन ढाका, दिस शोज दैट कनेक्टिविटी कैन बी अ गुड पॉइंट ऑफ रिलेशंस। कैन कनेक्टिविटी एनहेंस रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज? यस, इंडिया एंड बांग्लादेश कनेक्टिविटी के ऊपर आगे बढ़ते हुए, इसे याद रखिएगा, कनेक्टिविटी के ऊपर आगे बढ़ते हुए दो देश, इंडिया बांग्लादेश। केवल 20 वर्ड्स यहां से, इंडिया बांग्लादेश आर मूविंग अहेड ऑन इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी विच विल इंप्रूव रिलेशंस। कनेक्टिविटी रिगार्डिंग रेलवेज, मैत्रेयी एंड बंधन एक्सप्रेस, रोडवेज, BBIN एग्रीमेंट, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, थर्ड वॉटरवेज, फोर्थ चेक पोस्ट ऑन रोडवेज, दैट्स इट। क्लियर, इसे याद रखिए, इतना काफी है। ठीक है, बस इतना, 20 वर्ड्स बस। ठीक है, 20 वर्ड्स ये कहां लिंक करना है? इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस अगर आ गया GS पेपर 2 IR में, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस GS पेपर 2 IR। यस, हल्दी बाड़ी चिलहटी लिंक भी अभी रिसेंट हुआ, हल्दी बाड़ी चिलहटी लिंक, वेरी गुड। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाए। सेकेंड न्यूज आज का, इंडियाज गुडविल डिप्लोमेसी। अब आप लोग मेरा सेशन कर रहे हैं अटेंड पिछले 7-8 महीने से, तो आपको गुडविल डिप्लोमेसी तो आ ही गया होगा। क्या होता है? अच्छे कर्म, ठीक है, दूसरे देशों के लिए बिना बिना एक्सपेक्ट किए कुछ भी। ठीक है, और ये देखिए, इंडिया ऑफर्स वैक्सीन हेल्प टू सीरिया। सीरिया, ठीक है, सीरिया इज लाइक
वहां पे कोई चल रहा है, पता ही नहीं है कि कौन सा देश के लोग वहां पे, कैसा चल रहा है। सीरिया इज इन डीप प्रॉब्लम, डू यू एग्री टेल मी? ठीक है, सीरिया इज इन डीप प्रॉब्लम, टेल मी स्टूडेंट। अब सीरिया को सही में कोई ऐसा देश चाहिए जो अच्छे कर्म करता हो ताकि उसे हेल्प मिल जाए बिना एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और इंडिया कह रहा है मैं ये वैक्सीन का बॉटल सीरिया भेज दूंगा। ठीक है, और ये देखिए सीरिया का लोकेशन हो गया इंपॉर्टेंट। सीरिया का लोकेशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा मेडिटेरेनियन सी के आसपास का बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। हैज इट अ कोस्ट ऑन मेडिटेरेनियन सी? यस सीरिया। क्या सीरिया का बाउंड्री टर्की से लगता है? यस। क्या सीरिया का बाउंड्री इराक से लगता है? यस। ठीक है, ये देखिए टर्की इराक, ठीक है। क्या सीरिया के बाउंड्री जॉर्डन से लगता है? यस जॉर्डन। एटलस में निकाल लीजिए, सीरिया में मिलिट्री प्रॉब्लम है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट का राइज हुआ था 2006 के बाद से ही वहां पे। सीरिया इज फेसिंग द ब्रंट ऑल बिकॉज ऑफ अटैक ऑन इराक बाय यूएस। यहां से टेररिस्ट भाग के इधर आए और सीरिया को नया गढ़ बना लिया, नाम पड़ा इस्लामिक स्टेट। ठीक है, और ये देखिए, ठीक है, ये देखिए टर्की इराक जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट इसराइल, इसराइल से बाउंड्री है। यस, इंडिया ने एफडीआई नहीं किया है, दोस्ती की है, वैक्सीन भेजा है। ठीक है, एंड ये देखिए फिर लेबनन, पांच देशों के साथ इसका बाउंड्री है लेबनन। और ये बताइए इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी पे कोस्ट, एग्री? मैंने एक और मैप अटैच किया है, ये देखिए एक और मैप। क्या ये गोलन हाइट्स का मैप है? गोलन हाइट्स, क्या गोलन हाइट्स पे सवाल आया यूपीएससी में 2016? गोलन हाइट्स इज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? वेस्ट एशिया। देखिए गोलन हाइट्स सीरिया लेबनान इजराइल जॉर्डन के बीच में, ये देखिए। क्लियर स्टूडेंट्स, टेल मी गोलन हाइट्स, सीरिया को इंडिया का हेल्प। भाई वर्ल्ड मैप नहीं निकालना इसमें, वेस्ट एशिया का मैप निकालिए। वर्ल्ड मैपिंग मैं शुरू करवाया हूं मैं ऐप पर, अनअकैडमी ऐप पर, देखिएगा वहां हो जाएगा, डोंट वरी, 20 सेशन इट विल टेक। ठीक है, गोलन हाइट्स याद कर लीजिए। ठीक है, डिस्प्यूटेड बेल्ट, ये पूरा डिस्टर्ब बेल्ट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इसराइल एंड वेस्ट एशिया द अरब कंट्रीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्या ये इंडिया का स्टेप है गुडविल डिप्लोमेसी में? इसे कहाँ लिंक करोगे गुडविल डिप्लोमेसी पे? अगर कोई सवाल आ गया जीएस पेपर टू में, अगर कोई सवाल आ गया इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशंस, डोंट यू थिंक यू विल लिंक इट इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशंस? बताइए 20 वर्ड्स। ठीक है, इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशंस, इंडिया ने हेल्प दिया सीरिया को, इंडिया हेल्प दे रहा है बाकी कंट्रीज को भी, किस चीज में? वैक्सीन में, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ जाए, बस इतना काफी है, एग्जाम्पल हो गया ना ये इंडिया के हेल्प का, आगे बढ़ जाए। ये देखिए अगला न्यूज क्या है, ये देखिए कोवैक्सिन शोज 81% एफिकेसी ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट वेरिएंट्स। अच्छा, 43 केसेस का स्टडी आया है, कोवैक्सिन इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स। इसका एफिकेसी का मतलब क्या है? इट हैज बीन सक्सेसफुल इन इनिशिएटिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स, इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन साइड द बॉडीज, एग्री, इन 81% केसेस। ठीक है, इन इनिशिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन साइड द बॉडीज इन 81% केसेस, बहुत हाई एफिकेसी है कोवैक्सीन का। यस ये देखिए दिस एफिकेसी 81%, फाइजर का 95%, मॉडर्ना का 95%, ऑक्सफोर्ड का 82%, सेम उसके रेंज में आ रहा है। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई होप सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, अच्छी बात है, ये वेरिएंट से खिलाफ भी वर्क कर रहा है, ये अच्छी बात है। लो एडवर्स इवेंट्स आए, ये भी अच्छी बात है, वैक्सीन हैज लो एडवर्स इवेंट्स, दैट्स इट। So, फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैव कम अप, दिस इज कॉल्ड
अब ये बताइए क्या ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, क्या ये वैक्सीन हेसिटेंसी कम करेगा, विल इट रिड्यूस वैक्सीन हेसिटेंसी, लेट मी नो स्टूडेंट्स। जो लोग कल हेसिटेट कर रहे थे वैक्सीन लेने में, क्या ये हेसिटेंसी रिड्यूस करेगा, अब और लाइन लग जाएगी वैक्सीन लेने के लिए। क्लियर? गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स? तो ये जरूर से ये याद कर लीजिए, एफिकेसी इज सेपरेट पॉइंट। एफिकेसी का मतलब होता है, एफिशिएंसी वर्ड अलग होता है, एफिकेसी अलग। एफिकेसी ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी और एफिकेसी, ये दोनों वर्ड्स मैं आपकी लाइफ को लेकर बता रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। एफिशिएंसी मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने केवल लक्ष्मीकांत लेकर, लक्ष्मीकांत पढ़कर और कुछ नोट्स पढ़कर आप क्वालिफाई कर गए यूपीएससी, कहा जाएगा वेरी हाई एफिशिएंट। और वहीं कोई और लक्ष्मीकांत भी लिया हुआ है, डीडी बसु भी लिया हुआ है, मान लीजिए 8-10 किताबें, लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी वर्ड इज टेकन इन इनपुट एंड आउटपुट रेशियो। इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप रोज पढ़ रहे हैं 20 घंटे, आपके घर में आपके रूम में पापा आ रहे हैं, आपके आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, क्या हो क्या गया ऐसे, ठीक है। 20 घंटे पढ़ रहा है, 24 घंटे पढ़ रहा है, 28 घंटे पढ़ रहा है एक दिन में, ठीक है, रिकॉर्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो एवरीवन वरिड। मालूम चला रिजल्ट हुआ ही नहीं, तो कहा जाएगा नो एफिकेसी, 0% एफिकेसी, पढ़कर क्या किए, ठीक है। एट द पॉइंट, एफिकेसी मीन्स इट शुड शो रिजल्ट, दैट्स इट, क्लियर। और वहीं पे कोई 4-6 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, 4-6 घंटा पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, और रिजल्ट आ गया, रिजल्ट रिजल्ट आना जरूरी है, ठीक है, क्लियर। रिजल्ट आना जरूरी होता है भाई, ठीक है। जैसे 10 लोग हैं, सब सब पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत, ठीक है, और 8 लोगों, 8 लोग क्वालिफाई कर गए यूपीएससी, तो कहा जाएगा लक्ष्मीकांत की बुक का 80% एफिकेसी है, लक्ष्मीकांत किताब पढ़कर क्वालिफाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। नहीं, गॉट द पॉइंट? तो चलिए ये आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब अगला लास्ट न्यूज है, ये देखिए, फ्रीडम हाउस कुछ है, उसने इंडिया को, इंडिया का डेमोक्रेसी को, इंडिया को डिक्लाइन कर दिया है। ये देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, ये द हिंदू का रिपोर्ट है, इंडिया इज पार्टली फ्री डेमोक्रेसी। ये क्या मेजर करता है कि डिसेंट जो है, क्रिटिसिज्म, क्या उस पर क्रैकडाउन चल रहा है क्या, ये लिखा है डिसेंट यानी क्रिटिसिज्म। और इसने कहा है पार्टली फ्री इंडिया है, क्योंकि इंडिया में कंप्लीट, इसके इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में, इंडिया में कंप्लीट डिसेंट या क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट। यही वजह इंडिया का रैंक थोड़ा डिक्रीज कर दिया, 2 या 3 रैंक डिक्रीज किया गया। इंडियाज रैंक हैज कम डाउन टू 71 फ्रॉम 67, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। चार, अरे भाई 28 घंटे लोग पढ़ते हैं, गलती से बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, 28 घंटे, ठीक है, आप भी सरप्राइज यार, ये 24 घंटे का दिन होता है, 28 घंटे पढ़ रहा है, फिर वो कहेगा 28 दिन में 28 घंटे, तब मालूम चलेगा, ठीक है, गॉट इट। तो ये देखिए 67 से 71 रैंक हो गया इंडिया का, डाउनग्रेड हो गया इंडिया, ठीक है। लेकिन यूएस का रैंक 83 है, ये देखिए यूएस भी पुअर कैटेगरी में है, इंडिया भी पुअर कैटेगरी में है, ठीक है, गॉट इट, क्लियर। यही वजह है इसने पुटअप किया है, याद कीजिए, इसने यूएस का, पता है क्यों ड्रॉप किया रैंकिंग यूएस का, कैपिटल अटैक्स, याद है आपको जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे कैपिटल अटैक्स, सीज कैपिटल सीज, क्लियर। बस अब आपने कहा सर ये कहाँ लिंक कीजिए, 20 वर्ड्स निकाल लीजिएगा, अगर कुछ डिसेंट क्रिटिसिज्म फ्रीडम के ऊपर कुछ आएगा मेंस के लिए, प्रीलिम्स में ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज के लिए कैसा लगा सेशन बताइएगा। और आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं आज, ये देखिए एक टास्क दे रहा हूं, ये जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको आज, आपको ये इस चीज के ऊपर, ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर आज आपको एक फ्लो चार्ट बनाना, सारे नोट्स जो आपने देखे लिखने हैं और ग्रुप पे शेयर करने, ठीक है।
लक्ष्मीकांत का नया एडिशन आ गया तो क्या चिंता है, मेरे पास आज से 6 साल पहले का एडिशन है, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, 4 साल पहले का एडिशन, दैट इज सफिशियंट। एडिशन मैटर उतना नहीं करता अगर आप करंट अफेयर्स में इस सेशन को देख रहे हैं तो। ठीक है, आज मैपिंग की क्लास होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, गॉट इट, आई होप यू एंजॉयड द सेशन स्टूडेंट्स। तो सवाल टैकल कीजिएगा और सवाल टैकल करके ग्रुप पे पुटअप कीजिए। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जरूर फिनिश कीजिएगा, कल हिमालयन सीरो देखा था हम लोगों ने, आज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, उसके पहले कुछ कैरेकल देखा था, रोज कुछ ना कुछ एनवायरमेंट का टॉपिक क्लियर हो रहा है, उसके पहले मैंडरिन डक आया था, कुछ ना कुछ टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड गिव योर बेस्ट टुडे। आज दोबारा नहीं आने वाला, 28 घंटे नहीं पढ़ना है। ठीक है, 4, 6, 8, 10 जो भी पढ़ रहे हैं जान लगाकर पढ़िएगा, एफिकेसी आनी चाहिए। ठीक है, अभी देखा कितने बच्चे पढ़ते हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, बाद में सवाल पूछा गया ब्लैंक, जीरो एफिकेसी, जीरो एफिकेसी। ठीक है, और कितने बच्चे पढ़ते हैं, अब 10 घंटे पढ़े या 2 घंटे, अगर पढ़कर जवाब दे रहे हैं 100% एफिकेसी, दैट्स इट। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे अहेड, गिव योर बेस्ट, और जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान में। ये है टेलीग्राम चैनल मेरा, बस एक ये जो सेशन लेने का बस एक ही एम है, एक ऑनेस्ट तरीके से करंट अफेयर्स पूरा जो एग्जॉस्टिव होता है आपके सामने रख देना विद द बैकग्राउंड चेक, दैट्स इट। इस ये एक ड्यूटी है मेरी तरफ से, एक सर्विस है आप लोगों के लिए, इस सर्विस का पूरा फायदा उठाइए। एंड टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडरस्कोर अनुराग अंडरस्कोर सिंह, जुड़ जाइए इस सेशन के पीडीएफ के लिए, मैपिंग आज शाम को 7 बजे अन अकेडमी ऐप के ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, बी प्राउड टू बी इंडियन सिटीजन, गिव योर बेस्ट, विल मीट अगेन इन द इवनिंग।